आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मैंने माता जी के भोग के लिए मालपुए बनाए थे और ये बिल्कुल आसान और जल्दी बनने वाले मालपुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री कैसे बनाए थे मैंने। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप मैदा है और 2 टेबल स्पून सूजी है, मतलब टोटल हमको 1 कप रखना है यहाँ पे। तो मैदा 3 भाग रहेगा और 1 भाग सूजी का रहेगा। तो मैदा और सूजी को मिक्स करके डाल दिया और 1/2 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च और सौंफ को थोड़ा सा दरदरा कूट के डाल दिया है इसमें। आप इलायची भी डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर चाशनी में इलायची जब चाशनी बनाते हैं उस समय डाल दीजिए। और जितना मैंने मैदा लिया था उतना ही दूध लिया है यहाँ पे, तो 1 कप के करीब दूध है। और ये गुनगुना दूध है या रूम टेम्परेचर पे ही दूध लें, ठंडा दूध बिल्कुल मत लीजिए। तो सबको धीरे धीरे दूध मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, फेंट लेंगे अच्छे से, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। और थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो और दूध ऐड किया है मैंने यहाँ पे। तो बैटर इसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गाढ़े होने से वो बिल्कुल मोटे बनेंगे मालपुए, और बहुत ज़्यादा पतला बैटर होगा तो फिर वो फैलने लगते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से चेक कर लीजिए, बस ऐसा ही घोल होना चाहिए इसका। और अब बैटर को रख देंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे इसको, क्योंकि सूजी है तो थोड़ी फूल जाएगी उसमें, तो बैटर थोड़ा गाढ़ा होगा। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक एक कढ़ाई में चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी और 1 कप शक्कर को डाल दिया कढ़ाई में और 1/2 कप पानी डालेंगे। और चाशनी बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे गुलाब जामुन या जलेबी की बनाते हैं आप, एक तार की चाशनी रहनी चाहिए। थोड़ा कम ही पकाएंगे चाशनी को, क्योंकि रखने के बाद वो ठंडी होती है तो गाढ़ी भी हो जाती है। तो चाशनी हमारी तैयार हो गई है, इस तरह से चेक कर लीजिए, हाथ में ऐसे तार सा बनने लगेगा। और यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा नींबू का डाल देंगे, जिससे शक्कर हमारी जमेगी नहीं, नहीं तो गैस से उतारने के बाद शक्कर जमने लगती है। और अब करेंगे यहाँ पे तेल या घी, जो भी आप चाहें गरम कर सकते हैं, और उसमें इस तरह से बैटर डाल दीजिए। और गरम तेल इस तरह से ऊपर से डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। मालपुए तलते टाइम हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस 1 इंच के आप फ्लैट बॉटम का कोई भी पैन लीजिए और उसमें 1 इंच ऊपर तक ही तेल डालिए, तेल या घी जिसमें भी बनाना चाहे इस तरह से। और तलते समय हमको बस लो मीडियम फ्लेम पे रखनी है गैस को, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी है और ज़्यादा धीमी भी नहीं रखनी है। और इस तरह से बिल्कुल सुनहरा होने तक पका लेंगे। और एकदम अभी चाशनी भी गर्म है तो मैंने गरम गरम नहीं डाले हैं, थोड़ा सा इनको निकाल के बाहर ठंडा करके फिर डाला है मैंने। बहुत ज़्यादा चाशनी भी गर्म रहेगी और आपके मालपुए भी गर्म रहेंगे तो बिखरने लगते हैं। तो बस अब इनको चाशनी में डुबा देंगे, 3 से 4 मिनट के लिए चाशनी में डुबा के रखेंगे और जब चाशनी पी लेगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। आप इसको खीर के साथ या रबड़ी के साथ खा सकते हैं, और कुछ नहीं बनाने का मन है तो ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप ऐसे ही बनाइए, माता जी को भी भोग लगाइए या खुद भी खाइए। तो हमारे मालपुए बनके रेडी हैं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।